नमस्कार दोस्तों, आज की जो खबर है वो अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर आ रही है, जो कि कुछ अच्छी खबर नहीं है। इस खबर को हम पूरा देखेंगे, लेकिन आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। दोस्तों, आज 19 नवंबर 2019 को अनुदेशक 17,000 मानदेय को लेकर सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में, और इस कोर्ट केस की सुनवाई आज नहीं हो पाई है, जो कि अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, इस कोर्ट केस की सुनवाई की डेट अब अगले हफ्ते की दे दी गई है। जी हां दोस्तों, अनुदेशक 17,000 मानदेय को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि अनुदेशक 17,000 मानदेय की अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। इस खबर से अनुदेशकों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुदेशकों का जो पक्ष है वो बहुत ही मजबूत है, और जिस तरीके से पहले भी अनुदेशकों ने इस चीज में एक ऐतिहासिक चीज हासिल करी थी, ठीक उसी तरीके से भी इस कोर्ट केस में भी अनुदेशकों की ऐतिहासिक जीत होगी, और 17,000 मानदेय मार्च 2017 से अनुदेशकों को जरूर मिलेगा। इस ये खबर जो है वो अभी आई है, और इस पे जो फुल डिटेल आती है वो आते ही हम अपने चैनल पे के द्वारा आपको बता देंगे। लेकिन अभी के लिए जो अपडेट है वो यही है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई है और अगले हफ्ते की डेट दे दी गई है। अनुदेशकों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।